हेलो फ्रेंड, आप लोग का स्वागत है कुमारी रीमा की रसोई में। आज मैं चावल का खीर बनाने जा रही हूँ, जिसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने 50 ग्राम के लगभग चावल लिए हैं, 300 ग्राम के लगभग चीनी है, ड्राई फ्रूट है, किशमिश, इलायची 4 से 5 इलायची ले लें, बादाम, काजू, नारियल, आप देख सकते हैं मैंने चावल को धुल लिया था और उसे मैं आधी चम्मच रिफाइन में रख करके गैस ऑन करके इसे मैं हल्का सा भून दी हूँ। अभी इतना ही भूनिए, इसको पिंक न होने दें नहीं तो टाइट हो जाएगा चावल, ज़्यादा खराब हो जाएगा। अब मैं इसे उतार लूँगी और 500 ग्राम के लगभग इसमें दूध लगेंगे। इसे मैं जब दूध अच्छे से उबल जाए, खोल जाए, तब जा करके आप उसमें चावल डालें। आप देख सकते हैं दूध उबल रहे हैं, मैं इसमें अब चावल डाल दूंगी। फ्राई किया हुआ चावल ऐसा भुना हुआ, इस तरह से आप बनाएगा बहुत ही टेस्टी होते हैं और देखने में अच्छे भी लगते हैं, खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। अब धीमी फ्लेम पे इसे अच्छे से पकाएं। इसको पकने में लगभग 10 से 15 मिनट के लगभग लग जाते हैं। आप देख सकते हैं बन चुके हैं, ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी होती है। इसमें अब हम मैं ड्राई फ्रूट मिला करके इसे सजा लूँगी। काजू, किशमिश, इलायची मैंने पहले ही डाल दिया था, देख सकते हैं, बादाम, नारियल का बुरादा,